जितने भी फ्री फायर प्लेयर होते हैं उनमें से 90% प्लेयर के ड्रीम होता है कि वो कैसे भी करके एक यूट्यूबर बन जाए। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ऐसी सोच गलत है, आपकी ये सोच एकदम कड़क है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग कैसे एक यूट्यूबर बन सकते हो एंड मैं किस तरीके से यूट्यूबर बना, मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा। लेकिन उससे पहले हेलो कैसे हो, मैं मनीष और आप लोग देख रहे हो GW मेरी यूट्यूब चैनल। देखो भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आप लोग को इस चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अंदर की बात खोद खोद के निकालेंगे, मैं आप सभी को वो बात बताऊंगा। तो इसी बात पे आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 150 के लाइक, देखते हैं 150 के लाइक कंप्लीट होता है या नहीं। तो इसी बात पे लाइक मार दो। जब कभी भी आप यूट्यूब देखते हो तो आप किसी ना किसी यूट्यूबर को देखते ही हो, वैसे आप किस यूट्यूबर को ज्यादा देखते हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो आपके माइंड में आता होगा कि भाई मैं भी इस तरीके से यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहता हूँ, आखिर मैं किस तरीके से बन सकता हूँ। देखो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले मैं भी कुछ नहीं था, मैं भी बस यूट्यूबर्स को देखता था, मनी मन सपना देखता था, सोचता था कि मेरे को भी इनकी तरह बनना है यार, लेकिन मैं किस तरीके से बन सकता हूँ। और काफी सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि तूने उस यूट्यूबर को देखा है इसलिए तेरे को उस जैसा बनना है, तेरे मन में कोई फीलिंग है नहीं, बस तेरे को यूट्यूब पे आके पैसा छापना है, बाकी तेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, ना ही तेरे अंदर कोई हॉबी है यूट्यूब पे आने की वगैरह वगैरह। मैं भी ऐसे ताने बहुत ज्यादा सुनता था, बट पर्सनली मैं बताऊँ, मैं भी किसी को देख के यूट्यूब स्टार्ट किया था। जो बंदा बोलता ना भाई तू उसको देखा इसलिए तेरे मन में आया, उसको खींच के एक तमाचा मारना, अबे साले किसी को देखेंगे इंस्पायर हो गए तभी तो हम उसकी तरह बनेंगे। मैं जब फ्री फायर में न्यू था, जब मैं यूट्यूब पे स्पेशली टोटल गेमिंग वीडियो देखता था, टू साइड गेमर्स, देसी गेमर्स, बस ये तीन को देखता था एंड मेरे मन में फीलिंग आती थी भाई ये बंदे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये बंदे यूट्यूब पे ग्रो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भी इंसान है मैं भी इंसान हूं। अब जब इन तीनों ने किया, उनको देख के मैंने किया, अब आप मुझे देख के कैसे कर सकते हो, आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नो डाउट यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिशन है, अगर हम बात करें फ्री फायर कम्युनिटी में तो भाई कॉम्पिटिशन तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। आज के टाइम पे ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इस बंदे को देखो, इस बंदे ने एक न्यू कॉन्टेंट अपने मन से सोच के बनाया था 2015 फ्री फायर वाला समथिंग, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा एंड इस वीडियो पे व्यूज कितने ज्यादा है। इस वीडियो पे इतना रिव्यूज क्यों है, क्योंकि इस बंदे ने कुछ यूनिक ट्राई किया था जो कि पहले फ्री फायर में किसी ने ट्राई नहीं किया था। आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे आते हो, गेम प्ले दिखाने की कोशिश करते हो, वन टैप वाला मॉन्टेज डालोगे, बहुत अच्छा डालोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका मॉन्टेज बहुत बेकार होता है, बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट लेवल होता है, मैं तो बोलूंगा वर्ल्ड बेस्ट मॉन्टेज होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो पसंद करते हो वो आपको नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है ऑडियंस क्या पसंद करती है। चलो पर्सनली मैं मेरी बात बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे ग्रो किस तरीके से किया। मेरा फर्स्ट वायरल कंटेंट था लर्न AWM स्नैपिंग लाइक अज्जू भाई, ये वाला मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो था। अगर अभी के टाइम पे बात करें तो ये वीडियो आपके लिए यूजलेस है, आप कुछ खास सीख नहीं पाओगे इस वीडियो से, लेकिन आज जब 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो था। अभी के टाइम पे आप सभी को नो रिलो ट्रिक तो पता ही होगी, लेकिन आज से 1 साल पहले बहुत कम लोगों को नो रिलो ट्रिक पता थी, और इसी चीज का मैंने उस टाइम फायदा उठाया, मैंने उस पर एक वीडियो छाप दी, क्योंकि मेरे को पता था अच्छे से नो रिलो ट्रिक कैसे होती है। उस टाइम पे AWM किंग अज्जू भाई मैं बहुत ज्यादा सुनता था, क्योंकि मैंने पहले बताया मैं टोटल गेमिंग में बहुत ज्यादा देखता था। फिर मेरे दिमाग में आया हम टिप्स एंड ट्रिक्स दे ही रहे हैं तो चलो ना कुछ एक क्लिकबेट करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया ये लर्न AWM स्नैपिंग लाइक अज्जू भाई, एंड ये अभी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग में एकदम से ये वायरल नहीं हुआ था, 1-2 दिन में इसको अच्छे व्यूज नहीं आए थे, लेकिन जब मैंने 15 दिन बाद ये चेक किया तो इसमें थाउजेंड्स में व्यूज आ गए थे। पहले मेरे को 100 व्यूज भी नहीं आते थे, 50 व्यूज भी नहीं आते थे, बट मेरा पहला वीडियो जो कि वायरल हुआ था। अब इससे मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, इससे तो बस मेरे को अंदर से होप आई कि हाँ यार एक वीडियो निकला तो अब मैं बाकी वीडियोस को भी निकाल सकता हूँ। तो मेरा चैनल ग्रो करने का वीडियो ये नहीं था। अब इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था AWM स्नैपिंग लाइक अज्जू भाई पार्ट 1, वो पार्ट 1 था एंड जो मेरा वीडियो वायरल गया था पार्ट 2। अब पार्ट 2 जैसे वायरल गया उसके बाद पार्ट 1 भी अपने आप चलते गया उसके पीछे, एंड उसके बाद मैंने एक और बनाया पार्ट 3। पार्ट 3 में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे, फिर मैं नॉर्मली अपने वीडियोस डालते गया टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि उस टाइम पे टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ज्यादा ही क्रेज था और उस टाइम पे मैं बहुत सारे प्लेयर्स को देखते रहे जो कि बहुत अच्छे खेलते थे। फिर देखते देखते मेरे माइंड में एक चीज आई कि भाई इतने सारे प्लेयर्स है, मेरे माइंड में चलता है कि भाई इनमें सबसे अच्छा कौन खेलता है। तो आपके माइंड में चलता होगा, बाकी माइंड में चलता होगा, ऑडियंस के माइंड में चलता होगा ना कि इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स है गिने चुने, तो उनमें नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे कौन होगा। फिर मेरे माइंड में आया टॉप 5 कॉन्टेंट, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला वीडियो डाला, और इस वीडियो को भी स्टार्टिंग में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। ये वीडियो 1.5 महीने बाद जाके वायरल हुआ, इसमें 100-150 के व्यूज 1.5 महीने बाद आए। फिर मैंने सोचा भाई ये वीडियो निकल गया तो इसके जैसा एक और करना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद ऐसे ही टॉप 5 डालते गया एंड मेरा हर टॉप 5 वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, क्योंकि मैं समझ गया था उस टाइम पे ऑडियंस जो देखती है जिन प्लेयर्स को, वैसे तो इंडिया के प्लेयर्स को ऑडियंस देखते नहीं है, बाहर के प्लेयर्स को देखती है। तो मैंने बाहर के प्लेयर्स में टॉप 5 बनाना शुरू किया, टॉप 5 फास्टेस्ट प्लेयर, टॉप 5 वन टैप हेडशॉट किंग प्लेयर, क्योंकि पहले ही बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा इतने सारे
बेस्ट प्लेयर में फर्स्ट नंबर पे कौन आ सकता है, सेकंड नंबर पे कौन आ सकता है। तो मैंने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिस्टिंग स्टार्ट किया एंड मैंने ऐसे वीडियोस डालना शुरू किए एंड उस टाइम पे मेरे को हर वीडियो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था। एंड मुझे ये चीज बोलने में शर्म बिल्कुल नहीं है, मैं प्राउडली ये कह सकता हूं कि मैंने इसी से अपना चैनल ग्रो किया। चलो कम से कम डीजा लोग से तो मैंने अपना चैनल ग्रो नहीं किया। अगर आप सोचते हो कि डीजा लोग ऐसा तरीका है जो कि अपना चैनल ग्रो कर सकते हो, तो चैनल ग्रो तो छोड़ो, आप अपना चैनल खुद बर्बाद कर बैठोगे। तो मैंने कर लिया इतना, तो आप तो इतना भी कर सकते हो ना। आज टोटल गेमिंग नंबर 1 पे है तो कल जाके कोई और बंदा होगा। तो इस चीज से आपने क्या सीखा? पर्सनली तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया कि मैंने अपना चैनल किस तरीके से ग्रो किया, मैंने भी यूनिक चीज ट्राई की थी एंड मैंने आपको हाल ही में एग्जांपल दिया 2015 फ्री फायर वाला। उस बंदे ने भी कुछ यूनिक चीज ट्राई किया एंड उसका उसका चैनल बूम हवे में उड़ने लगा। बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स आता है वीडियो में। उसका वीडियो वायरल होने से पहले उसके चैनल देखो कुछ इस तरीके से व्यूज आते थे, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने के बाद कुछ इस तरीके से व्यूज आने लगे। आपको यूनिक करना है, अगर आपको चैनल ग्रो करना है तो यूनिक करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में होगा भाई क्या यूनिक करे, भाई मनीष भाई बोल तो दिया बड़ी आसानी से यूनिक करो, लेकिन क्या यूनिक करे? अगर मैं इस वीडियो पे कुछ बोलूंगा तो वो यूनिक नहीं रह जाएगा, वो सभी बातों में फैल जाएगा, सभी लोगों में फैल जाएगा। वो तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने सोचा कुछ यूनिक, वैसे आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। आज जितने भी क्रिएटर है टॉप में जिन्होंने ग्रो कर लिया, वो सभी अपने दम पे यूनिक चीज करके ही ग्रो किए। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों ने डीजे आलोक से भी ग्रो किया, तो आपको एक चीज याद रखना है, डीजे आलोक से ग्रो कर लोगे चलो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लीक्स एंड अपडेट्स जो कि अपडेट्स बताते हो आप, उससे ग्रो करोगे कुछ मतलब नहीं, आपका नाम ही नहीं होगा, कोई जानेगा ही नहीं आप। गेम प्ले से ग्रो करना चाहोगे तो ग्रो कर ही नहीं पाओगे इंडियन सर्वर में। बाकी जो मैं करता हूँ, जिस तरीके से मैं वीडियो डालता हूँ, आप डालो ना, किसने मना किया? आपको फैक्ट्स डालना है डालो, मेरे से अच्छा फैक्ट्स डालो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बहुत अच्छे फैक्ट्स डालता हूँ। अगर कोई बंदा मेरे से अच्छा फैक्ट डालेगा तो ऑडियंस ऑब्वियसली उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि फैक्ट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि फैक्ट के लिए उनको बहुत सारी रिसर्च चाहिए जो कि हर एक बंदा नहीं कर पाता है। तो फैक्ट का कॉम्पिटिशन हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में कम है, तो आप ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके से मैं वीडियो डालता हूँ आप लोग उसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फ्री फायर कम्युनिटी में आपको हर एक बंदा ऐसे वीडियो डालते मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए रिसर्च चाहिए होती है। अगर आप रिसर्च कर सकते हो तो डालो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? अब चलो, हमने मन मना लिया, अब भाई हम वीडियो डालेंगे कुछ भी हो जाए। अब हमारे पास एक एक्सक्यूज आता है, भाई हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास पीसी नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। अच्छा, मोबाइल और पीसी चाहिए आपको? क्यों चाहिए? आपको गेम प्ले डालना नहीं है? अगर आपको गेम प्ले डालना है तब जाके आपको अच्छा मोबाइल और पीसी चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे कुछ रिसर्च करके, तो आपको मोबाइल की क्या जरूरत? अच्छे आपके पास जो फोन है आप उसे काम चला सकते हो। पीसी की तो वैसे भी जरूरत नहीं, पीसी आप बाद में परचेस कर लेना जब ग्रो कर लोगे। देखो, बात आती है घर वालों के सपोर्ट की, तो घर वाले तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, तो सपोर्ट क्यों करेंगे। एंड आज के टाइम पे वैसे ही सब बच्चे बदनाम है, कुछ भी कुछ करते हैं फिर अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। तो घर वालों को बताना नहीं है आपको कि मैं यूट्यूब पे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। घर वाले आपको रहने दे रहे हैं घर पे, घर वाले आपको फोन दे दिए, घर वाले आपको खाना पीना दे रहे हैं, घर वाले आपकी सारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, कपड़ा चाहिए आपको, कुछ खाना है पीना है सब कर रहे हैं आपको, और क्या सपोर्ट चाहिए घर वालों से? मेरे को एक बात बताओ, सब तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, बस आपको यूट्यूब के बारे में छुपा के रखना है, घर में किसी को बताना मत। जब आपके यूट्यूब की पहले पेमेंट आ जाए तो खुशी खुशी बता देना, जैसे कि मैंने किया, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब बात आती है वॉइस की। काफी बंदे ऐसा बोलते हैं, मनीष तेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए तेरे को वॉइस देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी आवाज बहुत ज्यादा भद्दी है। भाई मेरा सबसे पहला वीडियो जाके देख, मतलब पुराने वीडियो जाके देखो, मैं कुछ भी डिलीट नहीं किया। पहले के वीडियोज में और अभी के वीडियोज में आपको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम दिखेगा, यही एक रीजन। कौन कहता है मेरी वॉइस अच्छी है? इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, जो कि आपके पहले वीडियो, सेकंड वीडियो, तीसरे वीडियो पे नहीं आएगा। मेरे चैनल पे कितने वीडियोस है आप देखो, इतने वीडियोस बनाने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अरे भाई शुरुआत तो करो, शुरुआत कर लिए फिर उसके बाद सब धीरे धीरे आसान हो जाएगा। आपको क्या क्या अवॉइड करना है? सबसे पहला चीज गेम प्ले अवॉइड करना है, सेकंड चीज डीजालो को अवॉइड करना है, एक और चीज कि आपको प्रमोशन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपको प्रमोट भी कर देगा फिर भी आपको कुछ खास फायदा नहीं है, तो प्रमोशन के पीछे मत भागो, मेहनत करो। अब आपने मेहनत करके बिना शेयर किए आपने 100 सब्सक्राइबर कर लिए ना, तो इसका मतलब है आप आराम से कहीं ना कहीं एक ना एक दिन इस बंदे को भी पीछे कर दोगे। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर स्टार्टिंग के लॉयल है, आपने बिना शेयर किए इतने सब्सक्राइबर किए हैं, तो बिना कहीं शेयर किए आपने स्टार्टिंग में 100 सब्सक्राइबर कर लिए, इसका मतलब आप आराम से इस बंदे को भी पीछे कर दोगे एक ना एक दिन। हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, यू कैन फॉलो माय टिप्स। पर्सनली मैंने आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताई, लेकिन जितनी भी चीजें बताई हो 101% वर्किंग है। ग्रो करने एक और तरीका, यूट्यूब शॉर्ट्स आया है, यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो बनाओ, 2-3 वीडियो भी अच्छे वायरल चले गए तो भाई खतरनाक मजा आ जाएगा आपको। लेकिन वीडियो आपकी होनी चाहिए, आपका वॉइस होना चाहिए, सब कुछ हार्डवर्क आपको होना चाहिए, तब जाके लोग आपको पहचानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक एम तो याद है ना, तो याद से लाइक कर देना, और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।